जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना, रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, अंटिल आई कैन रन आई विल रन, व्हेन आई कांट रन आई विल वॉक, व्हेन आई कांट वॉक आई विल क्रॉल, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप मूविंग। ये सिद्धांत होता है जीवन में। टिल आई लीव टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल कीप वॉकिंग, आई विल कीप क्रॉलिंग, बट आई विल मूव। तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? It can turn around societies. It can turn around nations. इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में आप यहां जो डेवलपर्स बैठे हैं, ये एक अंतर्दृष्टि करना कि दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पाना वो क्या है, और वहां 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना वो क्या है, और वो भी पत्थर का नकासी काम का काम, वो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं कि बिल्ड करके बेच देना, ऐसा नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज और 7,000 आर्टिसंस काम कर रहे थे, पूरे मुंबई में एक भी साइट नहीं होगी जहां 7,000 काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, अभी तो और कम करते होंगे, स्लैक सीजन चल रही है, सब दबा हुआ है। 7,000 आर्टिसंस वर वर्किंग एट द पीक ऑफ इट एंड प्रमुख स्वामी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन 5 ईयर्स। तब बहुत लोग कहते थे कि स्वामी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पुराने चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने डिजाइन किया, वे कहते कि स्वामी जी 35 साल चाहिए ये डिजाइन पूरी करने के लिए, ये कद पूरा करने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज निश्चित थे कि 5 साल में हमने संकल्प किया इसलिए पूरा करना ही है, और उन्होंने पूरा किया। When you decide, you can. और उसी घटना के बीच, उस दौरान बीच एक ऐसी घटना बनी कि स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था 2002 में। उसी वक्त ये दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज की जगह और कोई व्यक्ति होता तो उसके मन में यह विचार आ जाता कि वहां से अगर आतंकवादी यहां दौड़ते हुए गुजरात तक पहुंच गए तो दिल्ली तो बीच में ही है, कभी वो अक्षरधाम पे आ जाएंगे। मेरे आपके जैसे दो बुद्धिशाली लोग, उन्होंने सलाह भी दी प्रमुख स्वामी महाराज को। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, समाज के उत्कर्ष का काम कर रहे हैं, सब मनुष्य को अच्छे विचार के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली अक्षरधाम का काम 2 गुना कर दिया, डबल स्पीड। This is how great personalities, they work with tremendous confidence in their hearts. जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं।